हर दर्शन की आशा मेरे मन, हर दर्शन की आशा, हर दर्शन की आशा मेरे मन, हर दर्शन की आशा। ओ हर दर्शन की आशा मेरे मन, हर दर्शन की, ओ हर दर्शन की आशा मेरे मन, हर दर्शन की आशा, हर दर्शन की आशा मेरे मन, हर दर्शन की आशा, हर दर्शन की आशा मेरे मन, हर दर्शन की आशा, हर दर्शन की आशा मेरे मन, हर दर्शन की आशा। ओ हर दर्शन की आशा मेरे मन, हर दर्शन की, हाँ हर दर्शन की आशा मेरे मन, हर दर्शन की आशा, आशा मेरे मन, हर दर्शन की आशा,
हर दर्शन की आसा मेरे मन, हर दर्शन की आसा, हर दर्शन की आसा मेरे मन, हर दर्शन की आसा मेरे मन, ओ हर दर्शन की आसा मेरे मन, हर दर्शन की, ओ हर दर्शन की आसा मेरे मन, हर दर्शन की आसा मेरे मन, दर्शन की आसा मेरे मन, हर दर्शन की आसा मेरे मन, ओ हर दर्शन की आसा मेरे मन, हर दर्शन की आसा मेरे, हर दर्शन की आसा मेरे मन, हर दर्शन की आसा मेरे मन, दर्शन की आसा मेरे मन, हर दर्शन की आसा, हर दर्शन की आसा मेरे मन, हर दर्शन की आसा, ओ हर दर्शन की आसा मेरे मन, हर दर्शन की आसा, हर दर्शन की आसा मेरे मन, हर दर्शन की आसा मेरे मन, हर दर्शन की, हर दर्शन की आसा मेरे मन, हर दर्शन की, पंत निहारे कामनी लोचन पुरीले उसाथा, पूर्ण पिजे पगन खिसे, हर दर्शन की आता, उडन कागा कारे, बेग मलीजे अपने प्रीतम राम प्यारे, हर दर्शन की आसा, हर दर्शन की आसा, हर दर्शन की आसा मेरे मन, हर दर्शन की आसा, ओ हर दर्शन की आसा मेरे मन, हर दर्शन की, हाँ हर दर्शन की आसा मेरे मन, ओ हर दर्शन की आसा मेरे मन, हर दर्शन की, ओ हर दर्शन की आसा मेरे मन, हर दर्शन की आस, हर दर्शन की आसा मेरे मन, हर दर्शन की आसा मेरे मन, ओ हर दर्शन की आसा मेरे मन, हर दर्शन की आसा मेरे मन, हर दर्शन की आसा मेरे मन, आसा मेरे मन, हर दर्शन की आसा मेरे मन, हर दर्शन की आसा मेरे मन, ओ हर दर्शन की आसा मेरे मन, हर दर्शन की, दर्शन की आसा मेरे मन, हर दर्शन की आसा मेरे मन, हर दर्शन की आसा मेरे मन, हर दर्शन की आसा, हर दर्शन की आसा मेरे मन, हर दर्शन की आसा, ओ हर दर्शन की आसा मेरे मन, हर दर्शन की आसा, हर दर्शन की आसा मेरे मन, हर दर्शन की, हर दर्शन की आसा मेरे मन, हर दर्शन की, ओ हर दर्शन की आसा मेरे मन, हर दर्शन की आसा, उड़न कागा कार, बेगम लीजे अपने प्रीतम राम प्यारे, कह कबीर जीवन पद कारण, हर की भगत करीजे, एक आधार नाम नारायण, रसन राम रवीजे, आयो लहर लैन पुरानी, आयो पुरानी आयो, आयो पुरानी आयो, ओ आयो लाह लैण परानी, आयो परानी आयो, ओ आयो लाह लैण परानी, आयो परानी, ओ आयो लाह लैण परानी, आयो परानी आयो,
ओ आयो लाह लैण परानी आयो परानी आयो आयो लाह लैण परानी आयो परानी आयो आयो लाह लैण परानी आयो परानी आयो ओ आयो लाह लैण परानी आयो परानी आयो आयो लाह लैण परानी आयो परानी आयो आयो लाह लैण परानी आयो परानी हाँ आयो लाह लैण परानी आयो परानी आयो आयो लाह लैण परानी आयो लाह लैण परानी ओ आयो लाह लैण परानी आयो लाह लैण परानी लैण परानी आयो लाह लैण परानी आयो लाह लैण परानी आयो लाह लैण परानी आयो लाह लैण परानी ओ आयो लाह लैण परानी आयो लाह लैण परानी आयो लाह लैण परानी ओ लाह लैण परानी आयो 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 लाह लैण परानी लैण परानी आयो परानी आयो ओ आयो लाह लैण परानी आयो लाह लैण परानी आयो परानी आयो ओ आयो लाह लैण परानी आयो परानी आयो परानी तू आयो लाह लैण लगा कितक फकड़े सम्मुख दी चली रहन परम सत्कार योग जुग जुग अटल तन तन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन पवित्र उच्ची सच्ची ते निघी गोदानंद मान रही गुरु रूप गुरुस्वारी सत संगत जीओ जिथे आप जी गुरु चरणों में पुज के अपनी जिंदगी दे उस प्रयोजन नूं पूरा करन दी खेचला जनी कृपालता कर रहे हो जिदे वास्ते सानू मनुखा जन्म मिले। मनुखा जन्म का प्रयोजन इस मानक तन धारण आ के वहरू का सिमरन करके वहरू दे विच अपेता है। सतसंग जी वहरू दे मिलाप वास्ते मिलिया है। बहुते लोग दुनिया के उत्ते यह समझते हैं कि यह जन्म तो सानू खाण पीण वास्ते मिले ऐशो ईशरत वास्ते मिले है। ये उन्होंने लोगों की बहुत बड़ी भुल है बड़ी गलती है अपने आप नाल धोखा कर रहे हैं। गुरु की संगत इस दुनिया ते किसी ने नहीं रहना। एक घर 84 लाख योनिया का बादशाह 84 लाख बंदियां दे विच जिवें सतसंग जी 84 लाख मरदे पे हुण उन्हां विच एक जिंदा होवे जिंदे जी की कीमत है मोयां की कोई भी कीमत नहीं है मरियां की कोई कीमत नहीं है। ये जिहड़ियां 84 लाख यूनियां ने इन्हां दे विच एक मनुखा जन्म ही है जिसकी कीमत है बाकी यूनियां दे विच नाम जपण का अधिकार नहीं है। माफ़ करना गुरु की संग उन्हां दा जपिया नाम किसी भी गिनती च नहीं पैंदा किसी भी लेखे च नहीं पैंदा भावें अपनी बोली विच जबान विच वह भी परमेश्वर का भजन करते होंगे। ये एक घर 84 लाख यूनियां का चक्कर लाने तो बाद इस नूं एक सुनहरी मौका मिलिया है। गुरु की संग जिस विच आ के ये परमेश्वर का नाम जप सकता भजन कर सकता 84 लाख यूनियां की कैद तो बरी हो सकता है। एक होंगे ने जिमें असी स्कूलों के पढ़ते होंगे सी
सत्संग एग्जाम होंदे सन, एग्जामां दे विच क्वेश्चन आउंदे सन भी यह पंज क्वेश्चन जरूरी ने, बाकी जिहड़े मर्जी कर लो वह गैर जरूरी हैं, गैर जरूरी हैं। इसी तरह जिहड़ा मनुखा जन्म है ये वाहिगुरू का नाम, वाहिगुरू का सिमरन, वाहिगुरू का भजन ये जरूरी है। बाकी गुरु की संगत दूजे नंबर दीयां गल्लां हन। शरीर दे दो ही प्रयोजन, शरीर करके धर्म की किरत करनी, एक बार कह दे वाहिगुरू धर्म की किरत करनी, नाम जपना वंड छकना ये शरीर का कर्म है। दूजे नंबर ते मन का कर्म की है, मन करके सत्संगत करनी, मन करके नाम जपना, मन करके बाणी पढ़नी, सिमरन करना, यह सत्संग इसका प्रयोजन है। पर गुरु की संगत दुनिया दे विच आके इतना खचत हो गया, इतना गुलतान हो गया, इन्हू जाने ही भुल गया। पर सत्संग जी वक्त आखिर उन्हें जिहड़ियां एक घर 84 लाख जूनियां दे विचों ये निकल के आया, मुड़ के इनू उस दे विच ही गिरा दिता जाएगा, उहदे च ही सड़ दिता जाएगा। जिहड़ी वेखीए जिंदगी आ की रह गई हैं, 100 साल की उम्र की उम्र है। गुरु की संगत माफ करना, सतयुग दे विच सतयुग सत त्रेता जगी, दुआपर पूजा 4, तीनों युग तीनों दृढ़े कल केवल नाम आधार। सज सतयुग दे विच एक बंदे की उम्र लख वरे दी हुंदी सी, समा बीतिया समय के प्रभाव के नाल सत्संग जी उम्र घट गई, त्रेता युग दियां उम्र 10,000 रह गई। जिते 1 लख वरे की उम्र सी 9 गुणा घट गई, 9 गुणा घट के वो उम्र सत्संग जी 10,000 वरा रह गई। होर फिर समय के प्रभाव करके, वक्त के बीतन करके गुरु की संगत ओ जिहड़ी उम्र सत्संग 10,000 रह गई सी, द्वापर युग विच आके 1,000 वरा रह गई, यानी 9 गुणा उम्र होर कट गई। फिर कलयुग आया, कलयुग दियां उम्रां 9 गुणा कट के 100 साल रह गईआं। वैसे तो 100 साल साढ़े युग विरले पो के जाएगा, क्योंकि साढ़े आहार नहीं ठीक रहे, आचार नहीं ठीक रहे, विचार नहीं ठीक रहे। गुरु की संगत खैर सतयुग दे विच माफ करना, तदे गुरु बाबे ने आखिया सी सिद्धां नूं माफ़ करना, जब तो उन्हां युगां का धर्म है, उन्हां युगां का कर्म है। जदों उमरां वड्डियां हुंदियां सन, कल केवल कीर्तन नाम, माफ़ करना सारे माफ़ करना, युग युग आपो अपना धर्म है। सो देखो वेद पुराना, गुरु की संग वेदां नूं शस्त्रां नूं विचार के देख लो। सतयुग दे विच सत प्रधान सन, प्राणायाम हुंदे सन, सत्संग जी प्राणायाम, हठ योग सवासा नूं रोकना, दसमदार तक पुजना। पर गुरु बाबे ने सौखा सिखाला मार्ग चलाया। सतसंग जी फिर उन्होंने दिन समय के तपस्या करनी, तप करने, तूने तौने प्राण सत्संग जल तारे करने, पुराने महात्मा सरी सरी राज जंगलों के बैठ के लोग भजन कराया करते सन। माफ़ करना उन्होंने हड़ जो करना, प्राणायाम करना, जो भी सीगा। इसी तरह त्रेता युग तो बाद द्वापर आया, द्वापर तो त्रेता, त्रेता तो बाद फिर सत्संग जी, त्रेता तो बाद फिर द्वापर लग्या, द्वापर तो बाद फिर सत्संग कलयुग आया। जे आप पिछले समय के चले जाइए, बहुते लोग पुराने बजुर्ग इतने बैठे हैं, अजे साढ़े देश के डॉक्टरी नहीं सी आई, मैडिकल नहीं सी आया। जो विचार करके वेखिए सत्संग जी उन्होंने समय के याना तगड़िया होंदिया सन, पुराने बजुर्ग होंगे सन, वैदगिरी होंगी सी, जिन्हों आयुर्वैदिक कह देंगे हैं। अज वह वैदगिरी दे विच जो किसी बुखार हो जाना, किसी दी कोई बीमारी होनी, उन्हों बड़े बड़े पुड़े जिन्हों पुड़ियाँ कहते हैं, वह सत्संग जी लोग जो वैद लोग सन वह मरीज की बीमारी दूर करने वास्ते वह पुड़े बन के दे देंगे। अजक पुड़े वैसे नहीं किसी पच सकते, एक बार कह दे बाहर, क्योंकि वह शरीर तगड़े होंगे सन। जाना अगे पारा मार के खा, सत्संग जी मुकदी गल की ऐसा भी दस देन पारे नूं मार के खाना कि तां कि किसी जहर का असर ना हो। महाराज पटियाले की एक गल आई याद, एक सत्संग वो रोज़ का जिन्हों सेंखिया भी कह दें, पॉइजन भी कह देंगे हम। माफ़ करना गुरु की संग, वह पारे नूं मार, उस जहर नूं मार के, जिवें लोहे नूं लोहा कट सकदा, हीरे नूं हीरा कटदा, हीरे हीरा बेदिया, एक बारी कह दे वैरू मुकदी गल की। उन्हें पान जिहड़ा खांदा सी, इस करके उहदे विच सत्संग पॉइजन सी, सेंखिया सी कि जे कोई जहर दे भी देवे तो उहदा असर ना होवे। पर उह सत्संग ने महाराज पटियाला जा रहा सी, ते उह पानी चपदे चपदे उहनां पान थुक दित्ता, उहदा पान का पता ही हुंदा, उहदे विच पान लपेटिया हुंदा,
वो पिछे सत्संग वो महाराज के वजीर भी आ रहे थे, एक नौकर आ रहा सी। नौकर ने सोचा भी यार रोज़ ये पान खाता महाराजा, देखा तो सही। उन्हें की किया सत्संग, वह पान को फड़ के मूँह च पाया, मूँह च पाँदे सारी दी मौत हो गई खालसा जी। एक बार कह दे वाहरू, यानी अगे शरीर तगड़े होंदे सन, पुराने बड़े दो दो किलो देसी घ्यो पी जाते सन, इतने की पिजियां दे डोसियां दे ये है वो गल नहीं बात नहीं लेना नहीं देना नहीं, याना भी की रह गई हैं। माफ करना श्री खोखले हो गए, पुराने बड़े सन जड़े चार चार पाँच पाँच परौंठे खा के घरों निकलना, वो परौंठे की सन देसी घ्यो दे विच तले होंदे। और मापे की गल तो अच्छ किसी पचड़े ही नहीं, डॉक्टर कहते तलियां चीज़ा ना खाओ जे ना करो, जिन्हें जाके कसी बहनी होंगी, जिन्हें जाके हड़ बहनी होंगी, मेहनत करनी होंगी, उन्होंने तो चीज़ा एवें बच जाती सन। कह दे वाहरू, पुराने बजुर्ग बाबे सन जड़े दो दो किलो घ्यो पी जाते सन। यह तो माफ करना गुरु की संगत। खैर शरीर दुधा मखणा मलाइया के पले होंगे, अज कहते होंगे होंगे सही कबड्डी खेलते होंगे, कह किस टाइम सत्संग जी कुश्ती भी लड़नी अपनी उम्र के बच्चे समय के बच्चे, तो कई बजुर्ग कई बार बजुर्गों ने कहना ला दे दुध योर जिन्ना अपनी माँ का दुध पीता, ला दे योर जिन्ना अपनी माँ का दुध पीता। हूँ माँ का दुध की पैना खोती का सिर, हूँ बच्चा बाद जमदा निप्पल का दुध ला दे सत्संग जी। खैर के हूँ निप्पल के दुध ने की करना है, जोड़ा माँ का दुध है बच्चे वास्ते वह अमृत है। एक बार कह दे यार वो अमृत है, अमृत मुकदी गल की गुरु की संगत अगे जाना तगड़िया होंदिया। शरीर दुधा मखणा मलाइया के पले होंदा है, पुराने बुढ़े बारह बारह को गुरु की संगत पैदल सफर सफर कर जाते। खैर अज युग बदल गया, अ जमाना बदल गया, इस तरह गुरु की संगत उन्हां समयां दे विच शरीर तगड़े होंदे सन। प्राणायाम करने मैनूं की याद है, साढ़े पिंड तो बाहर एक उदासी मत का संत हुंदा सी, मई जून कह लो जेठ हाड़ के दिनों दे विच उन्हें चार छेरे तूणे ताने तूणे ता के चौबी तूणे ताउंदा सी। उहदे विच सतसंग जी आप सेंटर च बह जाणा, कड़क दी धुप लोग वैसे ही गर्मी बड़ी हुंदी सी, पर सतसंग उन्हां जदों बह जाणा फिर उन्हां घट्टो घट्ट भी वह अग के बचाले उन्होंने कोई छे सत्त घंटे डेली बहना। फिर जो उन्हें सर्दियों के दिनों पोह के दिनों फिर जल तारे करने, हूँ असं तो आनाकानी करने, नहाना भी सूँ बड़ी मुश्किल लगता। खैर गुरु की संगत, खैर उन्हें फिर सौ जल तारा सौ कड़ा पानी का अपने सिर के पाना। अजक जो सर्दी के सौ कड़ा ठंडे जल का किसी तो पाता जाए, पहली गल ऊ नमूनिया हो जूगा मर जूगा खालसा जी। खैर सतसंग जी ओ गुरु बाबे ने आखिया उन्होंने योगों की गल है, सत जप तो उन्होंने योगों का कर्म है। कलयुग दिया उम्र छोटिया देख के फिर सतसंग जी वक्त बीतिया, फिर सतसंग उस बाद आयुर्वैदिक तो बाद साढ़े देश में मैडिकल आया, मैडिकल दे विच गोलियां आ गई, इंजैक्शन आ गया, वो जो वड्डे वड्डे पुड़े सन वह छोटे छोटे रह गए। उस तो बाद सतसंग जी काम वह भी उन्हें करती सी कर दियां ने गोलियां जिन्हें वह पुड़े करते सन। पुड़े तो बाद सतसंग जी फिर की होया, फिर वक्त बीतिया, वक्त बीतने होम्योपैथी गया, होम्योपैथी आ गई। जो होम्योपैथी आई तो होम्योपैथी गोलियां एक तो मिठिया हैं, एक बार कह दो वह एक मिठिया हैं, एक वह सतसंग जो होम्योपैथी गोलियां ने वह छोटिया ने उदो छोटिया कम वह भी उन्हें ही कर दियां ने जिनी वह सतसंग जी अजन की कहें एलोपैथी दवाइया कम कर दियां ने ते जिन्हें पुड़े काम करते सन। कलयुग दियां छोटियां उमरां देख के निरंकार ने अपने आप नूं गुरु नानक रूप में प्रगट किया और सौखा सिखाला मार्ग चला दिता। माफ करना जिदे विच आके कलयुग में कीर्तन प्रधाना, इधर बाबा जी कहिंदे कल कीर्त कल केवल कीर्तन नामा, कलयुग दे विच कीर्तन नूं प्रधानगी दित्ती। इत्थे की कहिंदे कलयुग में कीर्तन प्रधाना गुरमुख जपी के लाए ध्यान, कीर्तन दे विच आ के सत्संग मन मन करके गुरु स्वरूप का ध्यान धरना, बुद्ध करके विचारी जाना, अपने आप बाहरों संकोचना, एक छिन मात्र जिसनों कहते हैं छिन कहते हैं अख खोलन ते बंद करन दे समय नूं, अख खोलन ते बंद करन दे समय नूं छिन मात्र कहते हैं। जिवें दशमेश जी अपनी पवित्र रसना तो फरमाते हैं एक चित जे एक छिन ते आयो, पढ़िया करो बाणी कंठ हुंदी है, एक चित जे एक छिन ते आयो काल फंस के बीच ना। माफ़ करना कीर्तन दे विच कहिंदे छिन मात्र जे मन टिक जे, तदे गुरु अमरदास जी ने वार वार इस गल ते जोर दिता है
आवो सिख सतगुरु के प्यारे हो, गावो सच्ची बाणी, बाणी तं गावो गुरु केरी बाणी है सिर बाणी। जिनको नदर कर्म होवे हृदय तना सम्मानी। निरंकार ने अपने आप नूं गुरु नानक रूप प्रगट किया, दस जामे धारण किए, उहदे विच बाणी उचारण की, फिर सतसंग जी उहदे विच इस नूं रहत बैत कहनी रहनी बहनी कहनी सहनी चारा गलों का उपदेश दिता। और सतसंग जी फिर ऐसा उपदेश किया, गुरबाणी गुरबाणी गावो गुरबाणी, गुरबाणी गुरबाणी गावो गुरबाणी, ओ गुरबाणी गुरबाणी गावो गुरबाणी, गुरबाणी गुरबाणी गावो जी, गुरबाणी गुरबाणी गावो गुरबाणी, 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 गुरबाणी गुरबाणी गावो जी, गुरबाणी गुरबाणी गावो गुरबाणी, गुरबाणी गुरबाणी गावो गुरबाणी, गुरबाणी गुरबाणी गावो गुरबाणी, गुरबाणी गुरबाणी गावो गुरबाणी, ओ गुरबाणी गुरबाणी गावो गुरबाणी, गुरबाणी गुरबाणी गावो गुरबाणी, गुरबाणी गुरबाणी गावो, ओ गुरबाणी गुरबाणी गावो गुरबाणी। गावो सिख सतगुरु के प्यारे हो, गावो सच्ची बाणी, बाणी तं गावो गुरु करी बाणियां सिर बाणी। जिनको नदर कर्म होवे हृदय तिना समानी, पीवो अमृत सदा रोहारंग, जपियो सारंग पाणी, कह नानक सदा गावो यह सच्ची बाणी। जिहड़े बाणी सुनदे हन कीर्तन पहल दित्ती तवज्जो दित्ती, कल जग मैं कीर्तन प्रधाना, गुरमुख जपिए लाए ध्याना, सारे जपां तपां दे नालों गुरु जी इउं कहिंदे हन कि कीर्तन नूं प्रधानगी दित्ती, इहदे च मन टिक जांदा है, छिन मात्र मन टिक जाए, अख खोलन ते बंद करन दा समां। पहलियां समें च राजे लोग असमें जे करवाया करदे सन, गुरु जी कहिंदे फरमाउंदे हन जिहदा छिन मात्र मन टिक जे सिमरन दे विच हरी कीर्तन दे विच, उहनूं छिन मात्र टिके मन दा कितना कु फल मिलदा। सुन गमन हरे जी, सुन गमन हरे जी, सुन गमन हरे जी, सुन गावन हारे, सुन गावन हारे जी, 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 सुन गावन, सुन गावन हारे जी, सुन गावन हारे जी। कई कोटक जग फला, कई कोटक जन फला, कई कोटक जग फला, कई कोटक जग, ओ कई कोटक जग फला, कई कोटक जग फला, कई कोटक जग फला, कई कोटक जग फला, कई कोटक, ओ कई कोटक जग फला, कई कोटक जग फला। गमन हारे जी, सुन गमन हारे जी, सुन गावन हारे जी, सुन गावन हारे, सुन गावन हारे जी, सुन गावन हारे जी। जेड़े गुरबाणी सुनते हैं, जेड़े गुरबाणी गाते हैं, अख दे फंकारे जिन्ना जेकर किसे दा मन टिक जे, उहदा करोड़ां 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 असमेध जगां दे फल दे बराबर फल है। जिन्हां दा टिके रहिंदा उहनां नूं किन्ना क फल मिलदा होगा। गुरु बाबा जी फरमाउंदे हन, प्रभ की उस्तत करो संत मीत, सावधान एकाग्रचीत। फिर तप दी थां ते सेवा नूं प्रधानगी दित्ती। मुकदी गल की गुरु की संगत जिमें कोई छे महीने लंगर दे माफ़ करना तप साध लवे धूनिया तले, जां सर्दियां दे दिनां विच छे महीने पानी दे विच खड़े हो के सात संगत जी, जां छे महीने
सर्दियों के दिनों जल धारे कर लवे, ये नालों छे महीने गुरु के लंगर कोई सेवा कर ले, कोई झाड़ू दे ले, कोई जूठे बर्तन मांझ ले, यदा फल छे महीने की तप के नालों ज़्यादा दसना किया है। तदे गुरु जी कहते हैं गुरसेवा तपा सिर तपसार, सारे पढ़ो गुरसेवा तपा सिर तपसार। सब तो वड्डा जिहड़ा फल है वह सारे तपा का निचोड़ गुरु घर की सेवा है। गुर पीरां की चाकरी सेवा, गुरु साहब यूं दसते हैं कि जिहड़े सेवा करते हैं गुरु घर दे विच आ के माफ़ करना गुरु की संग उसका फल यूं दसते हैं, सेवा मन शुद्ध करती है, शुद्ध होया मन ने जिहड़ा फिर सिमरदाधिकारी हुंदा। तां ही गुरु जी ने तब दी तां ते सेवा ते साध संगत दसदे सुखी हूँ सुखसार, इत्थे मिलन वड़ियाईआं दरगे मुख द्वार जिहड़े इत्थे सेवा करते हैं करके देख लो, दस दिन गुरु घर आ के समय सिर प्रशादे की सेवा करके देख लो, सफाई करके देख लो, गुरु घर दे विच जावें सत्संग जी बर्तन माफ करना साफ करने शुरू कर दिओ, जां जोड़ियां की सेवा कर दिओ करनी कोई शुरू कर दिओ, उह लोक कहिंदे फलाना बंदा बड़ा चंगा भी बड़ी सेवा करता है। एक बार कह दे वाहिगुरू, पर कहिंदे सेवा करन वाले नूं इत्थे मिलन वड़ियाईआं, सारे पढ़ो इत्थे मिलन वड़ियाईआं ते दरगे मुख द्वार, मरण तो बाद सेवा करन वाले नूं दरगाह दे विच मुक्ति मिलदी। इउं गुरु जी ने फरमाया, जपिए तंदूर हुंदे दुखड़े, सेवा करके मन पाई दे, जपिए तंदूर हुंदे दुखड़े, सेवा करके मन पाई दे, ओ नाम जपिए तंदूर हुंदे दुखड़े, सेवा करके मान पाई दे, नाम जपिए ता नाम जपिए ता दूर हुंदे दुखड़े, सेवा करके मान पाई दे, नाम जपिए ता दूर हुंदे दुखड़े, सेवा करके मान पाई दे, नाम जपिए तंदूर हुंदे दूर हुंदे दुखड़े, सेवा करके मान पाई, जपिए तंदूर हुंदे दुखड़े और सेवा करके मान पाई दे, नाम जपिए तंदूर हुंदे दुखड़े, सेवा करके ओ नाम जपिए ता दूर हुंदे दुखड़े, सेवा करके नाम जपिए ता दूर हुंदे दुखड़े, ओ नाम जपिए ता दूर हुंदे, मेरे प्यारे सेवा करके मान पाई दे, मेरे प्यारे सेवा करके मान पाई दे, प्यारे सेवा करके ओ मेरे प्यारे दी सेवा करके, प्यारे दी सेवा करके मान पाई दे, मेरे प्यारे दी सेवा करके मान पाई दे, वो बाबा सेवा करके मन पाई दे, जीवा बाबा सेवा करके मन पाई दे, बाबा दी सेवा करके मान पाई, ओ बाबा बाबा दी सेवा करके, बाबा बाबा दी सेवा करके, ओ बाबा बाबा दी सेवा करके मान, जपिए तंदूर हुंदे दूर हुंदे दुखड़े, सेवा करके मान पाई, जपिए तंदूर हुंदे ओ सेवा करके मान पाई दे, नाम जपिए ता दूर हुंदे ओ नाम जपिए ता दूर हुंदे दुखड़े, नाम जपिए ता दूर
दूर होंगे दुखड़े। वो नाम जपिए ता दूर होंगे दुखड़े। विच दुनिया शिव कमाई है, तंदर के व्यसन पाई है। दुनिया कोई ही रोज का मेला है, जिन्होंने जिंदगी की समझ आ गई हद है जीवन की। वैसे तो सत्संग जिंदगी सालों के रूप से नहीं मिली, पर जिंदगी जो गुजर जाती फिर बंदा कुछ नहीं है। एक बार कह दे वाहू, कई माँ के गर्भ ही मर जाते हैं, जन्म लेंदे सार चले जाते हैं। उस तो बाद सत्संग जी बुढ़ापा है, बुढ़ापा जोड़ा वह मूँह अड्डी खड़ा है, बुढ़ापे तो बाद मौत है, उस तो अगे तो कोई जिंदगी नहीं है। कैर गुरु की संगत जड़े सत्संगत करते हैं, जिन्होंने जीवन की सोझी। दो ही किस्म के लोग ने, एक नास्तिक दूजे आस्तिक। आस्तिक उन्होंने कहते जिंदी रब के श्रद्धा हो, यकीन हो, फेथ हो, ट्रस्ट हो। नास्तिक उन्होंने कहें जोड़ा रब ना मने, वो होंद ना मने। मुकदी गल की जे पानी की बूंद कह दे समुद्र, समुद्र है ही नहीं, ये कि अकल मंदी है। सत्संग इसी तरह, जे एक रेत का किनका टिले कह दे कि टिला तो है ही नहीं, ये कि सत्संग जी सिंचाई है। इसी तरह जी असी वैरू की अंसा, कहो कबीर ए राम की अंस, जस कागज पे मिटे ना मनस। जी जीवात्मा वैरू की अंसा, जीवात्मा जो कह दे शरीर तो रहने नहीं, बचपन नहीं रहा, जवानी नहीं रही, अभी अपने शरीर मन बैठे हैं, शरीर है नहीं। जे शरीर हों सत्संग कदे भी ना जाता, ये तो कभी बुढ़ापा ही ना हों, कभी जवानी ना आँगी। यदा फिर माफ़ करना, शरीर तो है ही नहीं, ये वधदा घटदा रहिंदा है। गुरु किसम बचपन च हो रहा है, जवानी में हो रहा है, बुढ़ापे च कुछ हो रहा है, मौत तो बाद की है। माफ़ करना किस जाची किस अरादी, जहाँ सब कुछ किया तेरा हो सी। जो जो दिसे वड्डा वडेरा, सारे पढ़ो जो जो दिसे वड्डा वडेरा, सोई सी खाकू रल सी। जिन्हें भी कीड़ी तो लाके ब्रह्मा तक, जहाँ झाती मार के देख लो वड़े वड़े दुनिया ते, जिन्हें भी वड़े वड़े लोग हैं साध संगे जी, एक दिन इन्होंने मिट्टी की ढेरी हो जाना है, खाक बन जाना है। पर सत्स अपने शरीर मनी बैठा है, शरीर है नहीं, शरीर इन मिले परपकार वास्ते। किमें जिमें एक कारीगर है, वो किसी फैक्ट्री जाता, इंडस्ट्री जाता, सत संगे जी उत्थे टूल जान, सत्स आ रही है, तेसा है, होर कुछ भी जो भी माफ़ करना वो कम करने वाले साधन हैं, सोर्स है जान, जिन्होंने कह दें सत संगे को माफ़ करना, वो आरी ना होएगी कम किदा करूगा, तेसा ना होएगा लकड़ी किदा रंधूगा। माफ़ करना गुरु किसान साफ करूगा, इसी तरह रंधा ना होएगा रंधूगा किमें। इस औजार हैं, एक बार कह दे वाहू, जिमें जिमें जिमीदार है, जिमीदार ट्रैक्टर है, अजकल तो ट्रैक्टर आगे ट्रैक्टर नहीं सुनते, हड़ा आदियाँ सगिया, ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर माफ़ करना वो जिमीदार, वो ट्रैक्टर नहीं होगा, हल नहीं बहूगा, खेती किदा बहूगा। इसी तरह जोड़े साढ़े शरीर के अंग हैं, हाथ हैं, पैर हैं, एक बार कह दे वहरू, अखा हैं, कन हैं, साड़ी जबान है, ये जीव आत्मा रूपी माफ़ करना गुरु की संगत राजे दे यार हैं। ऐं करो जीव आत्मा दे यार हैं। जे पैर ना होंगे गुरु कर किवें जाएगा, कह दे वहरू, हाथ ना होएगा सेवा किदा कैसे करेगा, अखा ना होनगियां ये सात संगत दे गुरु स्वरूप के दर्शन कैसे करेगा, कन ना होएगा होंगे ये बाणी किदा सुनूंगा। ये सत्संग जी करना की सी, इन्हें पैर करके गुरु घर जाना सी, पर सत्संग जी गफलत का बदया, माया ने इसकी मत मारती। माया किनू कहते हैं, जिहड़ी अनहोंदे नू होंदा दिखा देवे। एक बार कह दे वहरू, होवे कुछ ना दिखा सब कुछ देवे। टीवी है, देखो की है, वो स्क्रीन पर हथ मारो की है, मूर्ता ने बच्चे ने विआह हो गया, बच्चे ने जन्म लै लिया, बच्चे का बर्थडे मनाता, बच्चा पढ़ गया, बच्चा डॉक्टर बन गया जी, बच्चे की शादी हो गई जी, वह बच्चा मर गया, वो टीवी दे के बैठे और तीन घंटे दसो कि सब जन्म हो सकता। एक बार कह दे वह, उस मौके सब कुछ सत भासदा है, सब कुछ सत भासदा। मुकदी गल की तीन घंटे के दसो कोई सत्संग की शादी हो सकती, कोई पढ़ के डॉक्टर बन सकता, पर उन्हें माफ़ करना परमेश्वरी माया ने, यह भी एक माया, उन्हें सब कुछ तीन घंटे सब कुछ दिखाता। इसी तरह परमेश्वरी माया ने माया ममता मूनी जिन विंधन तंज खाया, मनमुख खादे गुरमुख उभरे जिन सच नाम चित लाया। जिमें सियाणा बंदा मेहनत भी हड भन के करता है, पर जो खर्च करता मुकदी गल की गुरु की संगत, वह बड़ा संकोच के करता, उन्होंने पता मैं कैसे कमाए हैं। जिदी दो नंबर की कमाई है, शरे उड़ा है,
एक बार कह दे बहर वो जो उन्हों दुख नहीं है उन्हों पता कि मैं दो नंबर की कमाई की ठगियां मारियां डाके मार के धन इकट्ठा किया उन्हों दुख नहीं होता दुख तो उन्हों होता जिन्हें कमाई है। इसी तरह जिहड़ा वाहिगुरू परमेश्वर का नाम जपदा उन्हों पता कि मेरी श्वासां रूपी पूंजी घटती जा रही है। एक एक श्वास है जिहड़ा माफ करना जिवें पहले समय दे विच असीं ओह छली नूं दहिड़दे सीगे एक एक दाणा उदड़ गया दो तीन चार इसी तरह सत्संग जी जिंदगी इसकी उदड़ती जा रही है इसकी जिंदगी दौड़ी जा रही वह खैर गुरु की संगत जिन्हों पर कृपा होंगी है वह फिर सत्संगत करते हैं शरीर अम फिर संगत बच्चे आके इसमें सोझी मिलती है। कबीर ए कड़ी आधी हूँ तो आदि भगतन सहती गोष्ठ जो कि नो सो लाभ जो होर नहीं कुछ कर सकते सत्संगत कर सकते हैं। संत महाराज बड़ी सरकार संत जी महाराज संत बाबा ईश्वर सिंह राड़े वाले जदों उन्हों का अंतम समा आया तो शरीर ही नहीं रह गए दसो कि सवेरे उठ के तीन घंटे चौंकड़ा मार के बैठता दुनिया की दौड़ जिथे निरंकार के पिछे लगनी सी यदि दौड़ संसार के पिछे लगी सतसंगत चाहिए तो की सी इस भजन करना चाहिए सी नाम जपना चाहिए सी इनू तो अद्धे कहा कि तू धर्म की किरत कर करते भी नाम जप सकता ये कोई कलैरिकल की पोस्ट है लिखा लिखा पढ़ का कम उत्थे तो नहीं हो सकता पर जिते हाथ करके हाथों ना कम करता ध्यान दौ कि कोई लेबर कम करता किसी होर कोई कम करता उत्थे तो सतसंगत माफ करना कर सकता उठत बैठत सारे पढ़ो उठत बैठत सोवत नाम ज कहो नानक जन के सदकाम किसी ने क्वेश्चन किया कहते ने जोड़े सतपुरश ने जो नाम भजन परमेश्वर के प्यारे ने जिन्ना आम बंदा नितनम करता जाप करता इन्ना तो बाथरूम च इशनान करते करते कर जाते हैं कबीर कहते बैर क्योंकि सह उदों भी चलते हैं क्योंकि श्वास उदों भी चलते हैं। गुरु जी का उपदेश ऐसा है सात सात सिमरो गोबिंद मन अंतर की उतरै चिंत दम दम नाम नाम संभालदा दम न बिरथा जाए वह गुरु की संगत फिर वह इस तरीके दे नाल कम्मां कारां दे विच भी जे मान लो बैठ के करना एक बारी कह दिओ बैर किन्ने चिर बह जाओगे दो घंटे बह जाओगे तीन घंटे बह जाओगे वो तो वह चार नहीं पाँच बैठ जाओ बाकी की करोगे श्वास तो उदू भी चलते हैं। तद गुरु जी ने कहा बैठ सुखिया उठत उठ माफ करना उठ सुखिया माफ कर उठ सुखिया बैठ सुखिया वो मुकदी गल की सुखी सुख कितने सुख भैरू के नाम च एक बार कह रहे भैर सुख सुख भैरू के नाम च मुकदी गल की तुम देखो किन्ने गाने दुनिया देख सुनती है गाने सुनती होर क्वालियां सुनती है चंगे तो चंगे लिटरेचर लिटरेचर भी पढ़ती है उस तो बाद सस एक बार पढ़ो दूजी बार फर्क पै जाता क्यों फर्क पैंता हैव यू एनीथिंग कभी सोचा तुम्हें क्यों फर्क पैंता एक बार कह दे बैर वो जी गाने गुने बोली वह माफ करना गुरु की जज्बातों की बोली है ये जी गुरबाणी है ये आत्मा की बोली है एक बार कह दे बैर माफ कर बाणी पढ़नी ये फिर अमृत है अमृत बाणी हर हर तेरी सारे पढ़ो अमृत बाणी हर हर तेरी अमृत बाणी हर हर तेरी सुन सुन होवै परमगत मेरी जिन्हों सुन सुन के एक बार कह दे बैर कहानियां तो राजा महाराजा दी भी बड़िया हैं जो कोई कोई कहे किसी राजे की कहानी पढ़ के राजे की कहानी सुन के मेरी मुक्ति हो जाए मेरी कल्याण हो जाए फिर जब कोई दुनिया का होर इतिहास पढ़ के मुक्ति हो जाए है तो वह भी कहानी है ये कहानियां ये भी ने हर किया कथा कहानियां सारे पढ़ो हर किया कथा कहानियां गुरमीत सुनाइया गुरमीत सुनाइया बलिहारी गुर अपने गुर को बल जाइया खैर गुरु की संगत ए बाणी सब तो उत्तम हर की कथा सब तो उत्तम हर की कथा नाम सुनत दर्द दुख लथा गुरु की संगत सब तो उच्ची तो सुची ए कथा है। सो महाराज संत महाराज ने पूछया बाबा जी मध्यमा पुरखा ने कहा भी शब्द मिलावा होता है दे मिलावा ना है खैर गुरु की संगत बड़े बड़े श्रद्धालु थे जेडे अठों पर भजन करते थे ऐसे भी थे संत मारते सेवक जेडे संसंगी जेडे रात नूं पैर रात रही उठ के इशनान भी करना नित निश्चित नेम करना जाप करना और जिद जिन्हों जिन्हों तो भी कृपा हुई रात में एक दो बजे उठ के बह जाते सन एक बार कहते बैर और फिर नाम तो बगैर कोई गल नहीं सी करनी जब अंतम समा महापुरखों का आया तो उस मौके सत्संग जी जान लगे इंडिया तो इंग्लैंड आना सी जिन्हें वर्ग से उन्होंने सारे बेनती की बाबा जी कृपा करो साडा की हाल होगा असी की करांगे संत लगे कह देखो समाधियां लाने तो तुम गए एक बार कह दे बार अज इन्ने साढ़े को सेवादार बैठे ना
ਇਹ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗੁਣ ਚਲੇ ਗਏ, ਆਏ ਤਾਂ ਭਜਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਸੌਖਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇਹ ਕੰਮ, ਆਖਣੇ ਔਖਾ ਸੱਚ ਆਉਣਾ, ਆਏ ਕੋਈ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਛੇ ਮਹੀਨੇ, ਕੋਈ ਸਾਲ, ਕੋਈ 10 ਸਾਲ, 15, ਇਹ ਮਾਰਗ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਵਾਟ ਮਾਰੀ ਖਰੀ ਉੜੀਣੀ, ਖੰਨੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੀਣੀ, ਤੈਂ ਉੱਪਰ ਹੈ ਮਾਰਗ ਮੇਰਾ, ਕਹਿ ਫਰੀਦ ਨਾਮ ਸੰਭਾਲ ਸਵੇਰਾ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਰਖਤਾ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿਓ। ਸੰਤ ਲੱਗੇ ਕਹਿਣ, ਸਮਾਧੀਆਂ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਏ, ਪਰ ਇੰਜ ਕਰਿਓ, ਦੋ ਕੰਮ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਿਓ? ਇੱਕ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਗਣਾ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰਿਓ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਨਾ ਛੱਡਿਓ ਜੀ। ਸਾਸੂ ਦੂਜਾ ਕੰਮ ਜੀ। ਸੰਤ ਲੱਗੇ ਕਹਿਣ, ਦੂਜਾ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੀਰਤਨ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਦੀਵਾਨ ਸੱਜਦੇ ਨੇ, ਦੀਵਾਨ ਨਾ ਬੰਦ ਕਰਿਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਫਿਰ ਗ੍ਰਿਸਤੀ ਸਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੜੀ ਬੜੇ ਬੜੇ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ ਪੁਰਸ਼ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਸੰਤ ਜੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਸਾਡਾ ਉਧਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਲੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਦੋ ਕਰਮ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ, ਚੱਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ। ਸੰਤ ਕਹਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇੰਝ ਕਰਿਓ, ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਦਸਵਾਂ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ, ਦਸਵਾਂ ਐਸਾ ਗੁਰੂ ਕਰਨਾ ਦੇਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ ਜੇ। ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸੰਤ ਲੱਗੇ ਕਹਿਣ, ਜਿੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਹੋਇਆ ਕਰਨਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨੇ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰਿਓ ਜੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੇ, ਕੀਰਤਨ ਜਾ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ, ਤਦੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਤਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਲਯੁਗ ਮੈਂ ਕੀਰਤਨ ਪ੍ਰਧਾਨਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਜਪੀਐ ਲਾਏ ਧਿਆਨ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਰੋਕਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ, ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਦੇ ਪੈਰ ਨੂੰ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਕੇ ਸੰਗ ਨਾ ਲੇਪ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਦੀਆਂ ਮਨ ਦੀਆਂ ਉਡਾਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਾਸ ਇਸ ਦੇਹੀ ਮੈਂ ਪੰਚੋਰ ਵਸੀਲੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਾਮ ਕਰੋ ਹੰਕਾਰ ਲੋ ਮੋਹ, ਪੰਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਚੋਰ ਬੈਠਣ, ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦਿਨ ਡੈਣਾ ਮੰਨੀਆਂ ਹਨ, ਆਦਿ ਵਿਆਦ ਉਪਾਤਨ ਰੋਗ ਮੰਨੇ ਹਨ, ਰਜੋ ਗੁਣ ਤਮੋ ਗੁਣ ਸਤੋ ਗੁਣ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇਹਨੂੰ ਤਾਪ ਚੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਹਿ ਸੰਗਤ ਇਹਦੀ ਹਾਲਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ? ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਸੂਹੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਗਧਾ ਕਿਸੇ ਜਿਲਣੇ 'ਚ ਫਸਿਆ ਹੋਵੇ, ਚੀਕਣੀ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਫਸਿਆ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਪੈਰ ਲੰਗੜਾ ਗਧਾ, ਇੱਕ ਪੈਰ ਪੜਦਾ, ਦੂਜਾ ਫਸ ਜਾਂਦਾ, ਦੂਜਾ ਪੜਦਾ, ਪੜਦਾ ਤੀਜਾ ਫਸ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਗ੍ਰਸਤ ਜੀਵਨ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ, ਪਰ ਹੈ ਕੀ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਨ ਖਜੂਰੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੰਨ ਖਜੂਰੇ ਦੀ 100 ਲੱਤ ਹੁੰਦੀ, ਕੰਨ ਖਜੂਰੇ ਦੀ 100 ਲੱਤ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ, ਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪ ਠੀਕ ਹੋ, ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਠੀਕ, ਬੱਚਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ, ਕੋਈ ਕਿਹਦੀ ਸਾਲੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਕਿਹਦਾ ਸਾਡੂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਕਿਹਦਾ ਸਾਲਾ ਹੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਉਹ 100 ਕੰਨ ਖਜੂਰੇ ਦੀ 100 ਲੱਤ ਵਾਂਗੂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਚਿੰਬੜਿਆ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਤਸੰਗ ਜੀ ਇਸਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਤਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੁਕਮੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਬਾਹਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕੋਏ, ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੈਂ ਜੇ ਬੁੱਝੈ ਤਾਂ ਹੁਮੈਂ ਕਹਿ ਨਾ ਕੋਏ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦੇ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਸੀ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਰਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਣੇ ਖਣੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਹ ਗੁਰਮੁਖਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਖੈਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਸਿੱਖਾ ਸਾਡਾ ਗੁਜਰਾਤ ਚਲਾ ਜਾ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਭਿਖਾਰੀ ਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜੀ ਦੱਸਿਆ, ਤੈਸਾ ਹਰਕ ਤੈਸਾ ਸੋਗ, ਸਦਾ ਅਨੰਤ ਨਹੀਂ ਵਿਯੋਗ, ਤੈਸਾ ਹਰਕ ਤੈਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਹਰਕ ਹੈ ਸੋਖ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਖੈਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਉਹ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਕਰਦੇ, ਆਪਣਾ ਸਮਝ ਕੇ ਵਰਤਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਕੇ ਵਰਤਦੇ, ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਆ ਵੀ ਤੇਰਾ ਹੈ, ਆ ਵੀ ਤੇਰਾ, ਆ ਵੀ ਤੇਰਾ, ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ 4 ਦਿਨ ਕੱਟ ਕੇ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਕੇ ਚਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਮੇਰਾ ਮੁਝਮੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਪੜੋ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ, ਮੇਰਾ ਘਰ, ਮੇਰਾ ਬਾਹਰ, ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਯੇ, ਮੇਰਾ ਵੋ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਮੇਰੀ ਚੌਧਰ, ਮੇਰਾ ਫਲਾਣਾ, ਇੱਥੇ ਫਸੇ ਹਾਂ ਕਿਤ ਕੈਸੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦੇ ਬਾਹਰ। ਤਦੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ,
सतगुरु गुरु गोबिंद समर लगे कह नंद लाल संगत कहती नंद लाल साडा जथेदार बना दे ओ घोड़िया के तबेले झुले दे चक्के सड़ दे बवंजा कविया के मने कवि शाह संगत जी माफ करना उर्दू अरबी फारसी के विद्वान उन्होंने कितने गजलां पढ़ के देखो एक बार कह दे बहरू जो दशमेश जी ने यह वचन किए सतगुरु कलगीधर पातशाह जी ने कि दया नंद लाल जी संगत कहती है मैं हस रहा ढिलो दे मैं क्या यार ढिलो तेरे तो बड़ी कृपा क्योंकि मैं इसी जवानी उम्र भी देखी है कितने वह समा सी ओह बल्ले 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 पर कितने वाहरू जी तो कृपा करता है कि कोई पता नहीं कदों किहो जी करते इतने खलोता हों रोज ही सवेरे साधन इतने ना और मैं क्या यार तेनों तो देख के ना कबीर की माई ने एक गल कही सी कहती सुनो जेठाणी सुनो दराणी वह सारा दिन वह राम राम ही जपी जाते सन भजनी करी जाते सन वह सारिया जेठाणियाँ दराणियाँ इकट्ठिया करके तो उन्होंने कहदियाँ आ मेरा जरा बच्चा है ये मर क्यों नहीं गया माफ करना गुरु की संगत दसो सारा दिन राम राम ही करी जबकि माला फड़ी नपुते नपुते का टुट पैना जिमें बुढ़िया कहते हैं टुट पैना टुट मरना जो इन्हें माला फड़ी है उदू तो तलना बुनना सारा ही जाता लग गया क्यों क्यों घरदियों को कम प्यार है एक बार कह दे उन्होंने वह कहें असी राम राम तू की लैना सी रब रब तू की लैना जगत गुरु गुरु नानक के पिता ने दो चपेड़ा मारियां बाबे नानक के मूँह से तेनू पैसे कद नहीं दते सन एक बार कह दे बहरू तेनू पैसे भुखे मंगत्यां नू जां साधुआं खवाण वास्ते थोड़े दिते सन दुनिया सत संगत जी दुनिया इस दियां दो नीहां हन दुनिया माफ करना दुनिया के दुनियाई माँ बाप कोई ये चाहता मेरा मुंडा बच्चा पढ़ जाएगा बी ए करके एम ए करके माफ करना मेरा बच्चा नाम जपेगा भजन करेगा मेरा बच्चा सिमरन करेगा वो हर माँ बाप सोचता है बच्चा जवान हो गया पढ़ जाएगा नौकरी करेगा बिजनेस करेगा चार पैसे कमाएगा दुनिया इत खड़ी है पर जो महापुरख तुर पाते हैं वह मौत के कफन बन के तुर पाते इस करके महापुरशों की जी निंदा दस्या उन्होंने निंदा करनी माफ करना सात संगत जी वो सब तो वड्डा पाप दस्या क्योंकि महात्मा एक ऐसा है जिहड़ा ना किसी गाल कढ़न जोगा एक बार कह दे बहरू ना किसी झिड़क मारन जोगा फिर कह दे बहरू वो कदे भी किसी का बुरा नहीं मंगते तदे सत्संग जी दसना भी किया खैर ओ भाई नंद लाल जी रोज़ पढ़ते सिखा का मनी मां सिखा की मत उची माफ करना बड़े बड़े कमाइया वाले संतान वाह पिया जिंदगी आए भी मिले भी जिन्हों तो कुछ ना कुछ लैन की कोशिश की गई माफ करना गुरु की संगत जी होम जी वड्याई दुनिया कहती है माफ करना गुरु की संगत मैं बहुत व्डा हाँ माफ करना मेरा कारोबार बहुत व्डा है मैं जे हाँ मैं वो हाँ बाबा नहीं कहती जल जाओ ये बड़बना सारे कहे सारे पढ़ो जल जाओ ये बड़बना इस बड़ेपन अग लग जे जे ना ही हरको नाओ जे घर में वहरू का नाम नहीं मुकरी गल की फिर कहते योजे बड़बण तो अग लग जे इधर भाई नंद लाल जी मेरे पातशाह जी कह लगे नंद लाल संगत आ कहती है इनू साडा जथेदार बना रो बना दो गुरु की संगत तो उस मौके गुरु की संगत पक्का पानी पी संत आगे धोत निहाल भाई नंद लाल ने आख्या मैं बाणी रोज पढ़ता हाँ आप ही तो कहते निर्गुण स्वरूप दे विच गुरु है गुरु ग्रंथ साहब जी ये साडे सतगुरु हैं जिहड़ा चोर है चोर का शरीर थोड़ा चोर है कह दे वाहरू उहदे ख्याल चोर हैं शराबी का शरीर थोड़ा शराबी है उहदे सत्संग ख्याल ख्याल हैं जिहड़े वह शराबी हैं शराब वल प्रेरदे हैं फीमची है उहदा शरीर थोड़ा फीमची है उहदे जिहड़े ख्याल उहो जिहे हैं माड़ा बंदा उहदे सत्संग उहदा शरीर थोड़ा माड़ा उहदे सत्संग दो अखां ने दो हत्थ ने दो पैर ने जवान है शरीर उह शरीर थोड़ा उहदे ख्याल जिहड़े ने उह माड़े हैं इह सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब जानी किसे बंदे दा सुभाअ तुसीं की हो जो तुहाडा सुभाअ है इक वारी कह दे वाहरू जिन्होंने अंग्रेजी कहते फलाना बंदा ओदी नेचर बड़ी चंगी एक बार कह दे मैं ओदी नेचर बड़ी चंगी ओदा सुभाव बड़ा चंगा अड़ी गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी है ये साढ़े दसां पातशाहां दे सुभाव हैं एक बार कह दे मैं ये सुभाव हैं इस करके कहने बाणी गुरु गुरु है बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे भाई नंद लाल ने आख्या महाराज आप कहते मैं तेनू असी की कहें तेनू जथेदार बना दिए पर मर गुरबाणी तो कुछ होर कहती है बाणी तो कहती है अग्नि विच जल दो दुनिया दी झूठी शोभा अग्नि विच जल दो
दुनिया दी झूठी तोबा ओ अग्नि विच जाल दियो दुनिया दी झूठी तोबा अग्नि विच जाल दियो दुनिया दी ओ अग्नि विच जाल दियो दुनिया दी ओ अग्नि विच जाल दियो दुनिया दी झूठी सोभा राज मिलक सकदारियां अग्नि मैं जाल गुरु के संग जिथे मैं खड़ी है उत्थे तू नहीं जिथे तू खड़ा उत्थे मैं नहीं रब दे प्यारे एक बारी कह दे वहरू ताल समूह अमृत भरा पी ना सके कोई नीर पग बढ़े तां पायो तू भर भर पियो कबीर जिन्हां ते बख्शिश है ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਜ਼ਰ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤਨ ਵੀ ਤੇਰਾ ਹੈ ਮਨ ਵੀ ਤੇਰਾ ਹਰ ਜਦੋਂ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਕਰੋ ਜਰਾ ਤੂੰ ਠਾਕਰ ਤੂੰ ਪੈ ਅਰਦਾਸ ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰੀ ਰਾਸ ਜੀ ਵੀ ਤੇਰਾ ਹੈ ਪਿੰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੰਡਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਤੇਰਾ ਹੈ ਤੂੰ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਹਮ ਬਾਰਕ ਤੇਰੇ ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਮੈਂ ਸੁਖ ਕਹਿੰਦੇ ਰੇ ਉਸ ਮੌਕੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੌਧਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੰਗਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਆਖਿਆ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਜੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿਓ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਲਿੱਦ ਚੱਕ ਕੇ ਸੜਦਾ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਉਹ ਲਿੱਦ ਚੱਕ ਕੇ ਸੱਟਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਾ ਬੰਦ ਕਰਿਓ ਆਪਸ ਕੋ ਜੋ ਜਾਣੇ ਨੀਚਾ ਸੋ ਗਣੀਏ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਕਿਸੇ ਮੌਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਮਾਫ ਕਰਨ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਭਾਈ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਨੰਦ ਲਾਲੀ ਹੈ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਨੰਦ ਲਾਲੀ ਹੈ ਮੁੱਕਰੀ ਗੱਲ ਕੀ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸੰਗਤ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇਰੀ ਬੜੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਡਿਆਈ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਹੈ ਪਰ ਸਿੱਖ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਨਾ ਸਮਝ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਦਾਤ ਸਮਝ ਕੇ ਵਰਤਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦੇ ਵਹਿਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਘਰ ਵੀ ਤੇਰਾ ਹੈ ਬਾਹਰ ਵੀ ਤੇਰਾ ਹੈ ਇਹ ਧਨ ਦੌਲਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਜੇ ਦਾਨ ਵੀ ਕਰਦਾ ਤੇਰਾ ਕੀ ਆ ਤੁਝੇ ਕਿਹਾ ਅਰਪੋ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਿੱਤੇ ਜੂੰ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦਾਨ ਕਰਾਂ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦੇ ਵਹਿਰੂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੇਰੀ ਬੜੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਖਿਆ ਮੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਕਾਹਦੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਕਾਹਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਆਖਿਆ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਿੱਖੋ ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕਚਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਕਤਰਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਤਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਛੋਟਾ ਕਤਰਾ ਟਕ 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 ਕਰਕੇ ਕੱਟ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਢੇਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲੰਘਦੇ ਹੋਣ ਉੱਥੋਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕਤਰਾ ਹੋਏ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇਕਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪੈ ਜੇ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਮਝੇਗਾ ਕਿ ਨੰਦ ਲਾਲਾ ਤੇਰਾ ਜਨਮ ਅੱਜ ਸਫਲਾ ਹੋਇਆ ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨਚੀਜ 'ਤੇ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ 'ਤੇ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪੈ ਗਈ ਖੈਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਐੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਮਾ ਸੋਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਪਦਾਰਥੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿੰਨਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਟਿਕੇਗਾ ਜਿੰਨਾ ਮਨ ਟਿਕੇਗਾ ਉਹਨੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਏਗਾ ਸ਼ੁੱਧ ਕੱਪੜੇ 'ਤੇ ਰੰਗ ਛੇਤੀ ਚੜਿਆ ਕਰਦਾ ਉਸ ਸ਼ੁੱਧ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਬਰਕਤਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਨਾਵੇ ਕੀ ਦਾਸੀ ਜਿਹਨੇ ਮਨ ਟਿਕਦਾ ਜਾਂਦਾ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਕੋਈ ਵਚਨ ਕਰਤਾ ਉਹ ਵਚਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਟਲਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦੇ ਵਹਿਰ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਇਹ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕਬੀਰ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਤੂੰ ਹੂਆ ਮੁਝ ਮੇ ਰਹਾ ਨਾ ਹੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਜਬ ਆਪਾ ਫਰਕਾ ਮਿਟ ਗਿਆ ਜਤ ਦੇਖੂੰ ਤਤ ਤੂੰ ਉਹ ਭਾਈ ਭਿਖਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਸੀ ਖੈਰ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿੱਖ ਗਿਆ ਗੁਜਰਾਤ ਗਿਆ ਅੱਗੇ ਭਾਈ ਭਿਖਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦਾ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਪੁੱਜਿਆ ਅੱਗੇ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਰਜੀ ਬਿਠਾਏ ਹੁੰਦੇ ਹਲਵਾਈ ਬਿਠਾਏ ਹੁੰਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੱਪੜੇ ਸੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਠਿਆਈਆਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੀਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਈ ਭਿਖਾਰੀ ਅੱਜ ਨੂੰ ਬੋਰੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬੋਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤੱਪੜ ਸੀ ਰਿਹਾ
ਜਾਂ ਤੱਪੜ ਸੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਸ ਮੌਕੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਫਤਿਹ ਜੋ ਬਣਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕੀਤਾ ਉਸ ਮੌਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਇਹ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹੀ ਚੱਕਰ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹਿਰੂ ਇਟਸ ਨਾਟ ਕਨਫਰਮ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਗਲੇ ਜਨਮ 'ਚ ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਇਹੀ ਹੋਣਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹਿਰੂ ਇਹੀ ਹੋਣਗੇ ਨੋ ਸਤਸੰਗ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਹੈ ਲੈਣੇ ਦੇਣੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਹਨ ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਭਿਖਾਰੀ ਦੇ ਘਰੇ ਗਿਆ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਹਿ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਭਾਈ ਭਿਖਾਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਆਹ ਬਈ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਆਖਿਆ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਅੱਜ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਖੈਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਤੂੰ ਪੁੱਛੀ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਜੀ ਖੈਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਜਲੇਬੀਆਂ ਨਿਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਮਿਠਾਈਆਂ ਨਿਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੂੰ ਦਰਜੀ ਬਿਠਾਏ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਸੀ ਰਹੇ ਨੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੀਜੇ ਪਾਸੇ ਤੂੰ ਆਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਤੱਪੜ ਸੀ ਰਿਹਾ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਗੁਰਮੁਖਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ ਲੜਕੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ ਮਠਿਆਈਆਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਲੀ ਸੱਜਣ ਆਉਣੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਉਣੇ ਨੇ ਸਾਗ ਸੰਬੰਧੀ ਆਉਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਠਿਆਈਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਆਹ ਕੱਪ ਦਰਜੀ ਬਿਠਾਏ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਦਰਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅਤੇ ਸੱਜ ਵਿਆਈ ਬਹੂ ਨੂੰ ਜਦ ਅਸੀਂ ਲਿਆਉਣਾ ਵਿਆਹ ਕੇ ਉਸ ਬਹੂ ਨੂੰ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸ ਸੱਜ ਵਿਆਈ ਬਹੂ ਵਾਸਤੇ ਕੱਪੜੇ ਸੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਲੱਗਾ ਕਹਿਣ ਫਿਰ ਆਹ ਤੱਪੜ ਸੀ ਰਿਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬਹੂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਅਤੇ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰੀ ਮੇਰੇ ਲੜਕੇ ਦੇ ਪੇਟ 'ਚ ਸੂਲ ਉੱਠਣਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੂਲ ਉੱਠਣਾ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣੀ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਣੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਣੀ ਅਤੇ ਆਹ ਤੱਪੜ ਮੇਰੇ ਘਰ ਲੋਕਾਂ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨ ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਹੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਤੱਪੜ ਮੈਂ ਵਿਛਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੇਣਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤਾਂ ਉਸ ਮੌਕੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਲੱਗਾ ਕਹਿਣ ਭਾਈ ਭਿਖਾਰੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਉਹ ਲੱਗਾ ਕਹਿਣਗੇ ਭਾਈ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲ ਜੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੁੰਡਾ ਜੇ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਅਤੇ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰੀ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣਾ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਣੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੱਪੜ ਸੀ ਰਿਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮਰ ਹੀ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਕਹਿਣਗਾ ਤੈਨੂੰ ਮੁੰਡਾ ਵਿਆਹੁਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਔਰ ਭਾਈ ਭਿਖਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚੋਂ ਆਏ ਹੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਲਹਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਲੀ ਤੇਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਬਾਹਰ ਖੈਰ ਗੁਰੂ ਕਿਸਨ ਪਾਣਾ ਮੰਨਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਪਰ ਇਹ ਅਖੀਰਲੀ ਸਟੇਜ ਮੰਨੀ ਹੈ ਭਾਣੇ ਜੇਵੜ ਦਾਤਨ ਕੋਈ ਭਾਣਾ ਤਿਸੇ ਮੰਨਾ ਜਾਂਦਾ ਪਾਣਾ ਮੰਨਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਜਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਧੂ ਕੋਈ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਚਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਸਤਸੰਗ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਾਤ ਚੜ੍ਹਨੀ ਸੀ ਬਰਾਤ ਚੜ੍ਹੀ ਕਹਿ ਲੜਕਾ ਵਿਆਹ ਕੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜਦੋਂ ਲੜਕਾ ਵਿਆਹ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਉਹਦੇ ਪੇਟ ਸੂਲ ਉੱਠਿਆ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਕਹਿ ਲਓ ਅਤੇ ਲੋਕ ਥਾਂ ਮਰ ਮਰ ਕੇ ਰੋਂਦੇ ਹਨ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਾਗ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨੇ ਤੱਪੜ ਵਿਛਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਲੋਕ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਕਿਸਨ ਉਸ ਮੌਕੇ ਭਾਈ ਭਿਖਾਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਦੇਖੋ ਬਈ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੇਰ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਦਲਾਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਹੋਣਾ ਸੀ ਹੋ ਗਿਆ ਖੈਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਰੋਂਦੇ ਹੋ ਰੋਣਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਉਸ ਮੌਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਸੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਤਾਂ ਮਰ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਕਿ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨੂੰਹ ਹੈ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਦੇ ਕੀ ਗੁਜ਼ਰੇਗੀ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਵੇਂ ਕੱਟੇਗੀ ਉਸ ਮੌਕੇ ਭਾਈ ਭਿਖਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੁਣ ਭਰਾਵਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਠਿਆਈਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸਨ ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੇਣਾ ਸੀ ਕੱਪੜੇ ਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਮਠਿਆਈਆਂ ਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਇਹਦਾ ਵਿਆਹ ਨਾ ਕਰਦਾ ਇਹਦੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੀ ਜੇ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੀ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਉਸ ਮੌਕੇ ਸਤਸੰਗ ਜੀ ਖੈਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹਨ ਕਹਿਣਾ ਇਹਦਾ ਮੇਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਇਹਦਾ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਸਤਸੰਗ ਜੀ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ
ਵੀ ਆਹ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਨੂੰਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਕਿੱਦਾਂ ਲੰਘੂਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਣ ਯਾਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲੇ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਨਾ ਆਹ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਈ ਸੀ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰੀ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਇਹਦੇ ਵਿਯੋਗ 'ਚ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿਯੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਰ ਜੂਗੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕਿ ਨੇੜੇ ਕਿ ਦੂਰ, ਘਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਸੱਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਭਜਨ ਕਰਦਾ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ, ਇਹਦਾ ਮਨ ਟੇਕਾਓ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਤੂੰ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਬਾਪ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ, ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹੋ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਮਾਤਾ। ਹੁਣ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦਾ? ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਪਿਓ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦਾ? ਪਿਓ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭਰਾ ਕਹਿੰਦਾ? ਪਿਓ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿੱਤਰ ਕਹਿੰਦਾ? ਪਿਓ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਸੰਬੰਧੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਪਰ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਇਹ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਮਾਤਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਬੰਧਪ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਭਰਾਤਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਰਾਖਾ ਸਭਣੀ ਥਾਈ। ਕਿਤੇ ਚੋਰ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੈਲ ਸੀ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਮੇਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਲੋਕ ਨਿੰਦਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਸੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਬਲਦ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਬਲਦ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ 'ਚ ਲੱਗੇ, ਚੋਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਹੜਾ ਉਹਦੇ ਝੋਟਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਝੋਟਾ ਬਲਦ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਯਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਚੋਰ ਬਲਦ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿ ਲਓ। ਅਤੇ ਉਹ ਲੱਗੇ ਕਹਿਣ ਵੀ, ਝੋਟਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਕੀ ਗੱਲ ਤੂੰ ਚੱਲਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੇਤ 'ਚ ਨਾ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ 'ਚ ਨਾ ਆ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਨਾ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਬੁਰਕੇ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਐਵੇਂ ਹੀ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਫਸਲ ਦੇ ਖਾਧੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਪਿਆ, ਬਲਦ ਜੂਨੀ 'ਚ ਪੈ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਕਰਤਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਅਤੇ ਜਾਂਦੇ ਮੈਂ ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਖੂੰਟੇ 'ਤੇ ਕਹਿ ਲਓ, ਕਿੱਲੇ 'ਤੇ ਕਹਿ ਲਓ, ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਅਤੇ ਝੋਟਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਭਰਾਵਾ ਜੇ ਤੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਹੋਰ ਠਹਿਰ ਜਾਂ ਤਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਗੱਲ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਮਹੀਨਾ ਕੁ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮਹੀਨਾ ਕੁ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਦਾ ਪਿਛਲਾ ਦੇਣਾ ਕੁਛ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਨਾ ਇਹਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਉਜਾੜਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇਕਰ ਮਤਲਬ ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਸਤਸੰਗ ਜੀ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਠਹਿਰ ਜਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਟੁਰ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣਾ ਬਲਦ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੂੰਟੇ ਜਾ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਬਲਦ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਮਾਂ ਜਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ, ਕੋਈ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ? ਕੋਈ ਰਹੇਗਾ? ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਆਏ, ਧੂੜ ਬਣ ਕੇ ਉੱਡ ਗਏ, ਧੂੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਦੂਜੀ ਤੀਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਹੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਹੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਨਵੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ। ਖੈਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਟ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਖੈਰ ਉਸ ਬਲਦ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਵੇਟ ਕੀਤੀ 12 ਵਜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਜੀ ਉਹ ਬਲਦ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਉਹ ਬਲਦ ਮਰ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਉਸ ਮੌਕੇ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਮਨ 'ਤੇ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਵੀ ਇੱਕ ਬੁਰਕਾ ਖਾਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਸਤਸੰਗ ਦੀ, ਮੇਰਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਊਗਾ? ਖੈਰ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਊਗਾ? ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਖੈਰ ਸਤਸੰਗ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਦਾ ਮਾਰਗ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਪੈਂਦੀ, ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਹ ਬਣਾ ਲਾਂ, ਮੈਂ ਆਹ ਬਣਾ ਲਾਂ, ਮੈਂ ਆਹ ਬਣਾ ਲਾਂ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕਰ ਲਾਂ, ਇੰਨਾ ਕਰ ਲਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਹ ਵੀ ਕਰ ਜਾਂ, ਮੈਂ ਆਹ ਵੀ ਕਰ ਜਾਂ, ਮੈਂ ਆਹ ਵੀ ਕਰ ਜਾਂ। ਉਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਹਰ ਜਸ ਕਰਤ ਸੰਤ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਹਰ ਜਸ ਕਰਤ ਸੰਤ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹੋ, ਹਰ ਜਸ ਕਰਤ ਸੰਤ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਹਰ ਹਰ ਔਖਦ ਸਾਧਕ ਮਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਰਕੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨੂੰ ਐਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਸਮਾਂ ਮਿਰਥਾ ਨਾ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਸਮਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਜੇ ਲੱਗ ਜੇ ਖੈਰ। ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਕਰੋ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਸਤਸੰਗ ਜੀ, ਸਮਾਂ ਲਾਇਆ ਕਰੋ। ਅੰਤਮ ਸਮੇਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਜਾਣਾ? ਕੋਈ ਜਾਏਗਾ? ਫਿਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਗਏ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹਸ਼ਰ ਹੋਊਗਾ? ਹੈਵ ਯੂ ਥਿੰਕ ਐਨੀ ਟਾਈਮ? ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਜਪਾਂਗੇ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਰ ਵਾਰ ਇਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਅਰਾਧੀਏ
माफ करना तथे हर मित सहाय नाम ने सहायता करनी औखी वेला नाम सहायता करनी जी औखी वेला जी औखी वेला तेरी नाम ने सहायता करनी औखी वेला तेरी नाम ने सहायता करनी औखी तेरी नाम ने सहायता करनी औखी वेला दी औखी वेला तेरी नाम ने सहायता करनी औखी वेला दी औखी वेला नाम ने सहायता करनी दी औखी वेला दी औखी वेला नाम सहायता करनी दी औखी वेला दी औखी वेला तेरी नाम ने सहायता करनी औखी वेला दी औखी वेला तेरी नाम ने सहायता तेरी नाम ने सहायता करनी औखी वेला दी औखी वेला तेरी नाम ने सहायता करनी औखी वेला औखी वेला साडे छोटी जी गल सुन लो उत्थे मझां दे विच टमाणा टमाणा सेवा करता मेरे ख्याल कि उस बंदे दी जिंदगी जिस तरीके नाल गुरु चरणां च लग रही बस इक्को गल कहिंदा कहिंदा बाबा जी पता उस दिन लगना जिदन मर गए संस्कार हो गया माफ करना उन्हें एक गल सुनाई असी जदों इधर आना सी कहिंदा बाबा जी एक महापुरख हुंदे सन पेवे दे विच होए ने उदासी मध्य महात्मा सन ते उन्होंने लंगर लाउंदे सी 24 घंटे चलदा ही नहीं हुंदा सी ते ओह उन्होंने एक छटी रखी थी छटी दे विच ना पेचा वाली छटी सी उहदे विच सोना रखदे सी ते मैं सुन के बड़ा हैरान होया मैं कहा यार मिलाई किते कहिंदा बाबा तुसीं जाया मैं तुहानूं मिलावांगा ये लैण देण दे संबंध ने वह कहिंदा बाबा जी वह मतलब बाणिए दे कोलों सौदा लैणा ते एक दिन कहिंदा वी किते ओह बाणी उन्हें जो सोन उन्होंने पैसे पूसे देने ना सोना सोना कढ़ के बिच देना मिला इन वेच ली तो लै ली कहते बाणी ने सोचा भी जो भी कोई चीज़ लै जाता ये लै जाता ये सोना कढ़ के दे जाता उन्हें किया भी वह महात्मा की ना छटी कित सौ गया चौके से महात्मा लेट गया दोपहर का समा कट्ट वास्ते तो कोल ही दुकान थी तो उन्हें एक पासे रख ली खैर उन्हें बंदे कट्ठे किए महात्मा ने मेरी छटी बाणिया ने मतलब लुकाली है ज कितने गई वह कहता मैं नहीं लुकाई सौ सू चुक गया जो हों खैर मुकर गया तो मर गए का कोई इलाज नहीं हों सुन वाली गल है थोड़े समय की गल है 25-30 साल की होंगे ने सतसंग जी जदों की छटी चक ली और खैर थोड़े दिन महात्मा श्री त्याग के वह लाले दे औलाद नहीं सी माफ करना जदों औलाद नहीं सी बुढ़ापे किसी के पुत्र हो जाए वो खुशी दिया टिकाणा तो भी नहीं रहा वो खैर गुरु की संगत उन्हें ना इन्निया खुशियां कीतियां बड़ा पैसा खर्चिया बड़ा उन्होंने पढ़ाने की कोशिश की सब कुछ किया जो आप करते ही बच्चों से जब सतसंग जी वो 20 साल का बच्चा होया ना उन थोड़ा बुखार हो गया वो लाला लगा रोन डॉक्टर ने जवाब देता भी तो ठीक होना तो बड़ा मुश्किल है उन्हें सारे ना मतलब कहता अपने मेरे चाचियां ताया मैं मिला दौ जिन्हें रिश्तेदार सारे इकट्ठे कर ले जो सारे इकट्ठे कर ले कहता लाला जी रोवो ना लाला कहता तू मैं लाला कहना मैं तो मेरा बच्चा कहना लाला लोड़ो मैं तेरा बच्चा बच्चा कोई नहीं कहता मैं उ महात्मा जी की तू छटी लुकोई सी कहता मित्रा हूँ हिसाब किताब हो गया पूरा तो मैं हूँ जा रहा तो उन्होंने यार रोई रोई बथेरिया थां थो मारिया उन्हें खैर सासा लैन देन के संबंध ने गुरु नानक पातशाह किसी बादशाह की राजधानी तो बहर बैठे राजे के घरे लड़के ने जन्म लिया माफ करना वक्त का बादशाह खजाने खोल दते बुढ़ापे च बच्चे ने जन्म लिया राजे की खुशी का टिकाणा ना रहा मुकदी गल की लुटाई जाता मरदाने ने बेनती की मर प्रशादा पानी छाकाव एक बार कहते बहर कहते जाया जो गया तो मरदाना छत्ती किस्म पदार्थ नाले छकया तो नाले ले आ महाराज मरदानिया की गल कहता बादशाह देना कहता महाराज घरे लड़के ने जन्म लिया देखो दान भी किया
सुचे मोती हीरे लाल त्याह दान कर रहा फुलिया नहीं समाता। गुरु जी और मरदाने गल सुन के ना चुप जी कर गए। मरदाना लगे कह महाराज चुप कर गए की गल। मरदानिया हाँ राजा असलीयत तो बेखबर है, राजा असलीयत तो बेखबर है। कहते असल जो राज का लड़का है ये इन्हें राजे तो बहुत लैना। ये जो राजा लुटा रहा है तो ये बच्चा हिसाब किताब कर रहा है, हिसाब किताब कर रहा फुलिया नहीं समझा। आख्या महाराज अज जन्म लिया इन्ना कुछ लुटा रहा। आगे ताई तेन कहा ना कि वह फुलिया नहीं समझा, उनका राजे दे पासों कोई लेना देना। वह मुकदी गल की उन्हें लैके चले जाना। मरदाना कहते मैं लेके चले जाना। कहते हाँ, कहते मरदाने कल नूं सूरज निकलदे सार राजे दे लड़के की मौत हो जानी है। मुकदी गल की एक तो उन्हें अपनी हड बीती दसी है। एक बार कह दो बारू सासा एवें नहीं जिंदगी लगदियां परमेश्वर के चरणों च। खैर दूजे दिन सूरज निकलिया हीले रिजक बहाने मौत। और सास लड़का बीमार पिया, कोई तकलीफ हुई, उसकी डैथ हो गई पटियाले दे विच। सास महाराजा पटियाला मुकदी गल की उहदा एक वजीर सी ते सास राजे च चोरी हो गई। जो चोरी हो गई तो माफ करना, वजीर बड़ा धर्मात्मा सी। वो चोरी ना राजे दे आ जिहड़ा सी कहिंदा मैं डायमंड सैट फलाना सैट एक खोती का सैट, कोई डायमंड सैट नहीं है। जेड़ा असली हीरा उहनू मूँह दे विच चटिए जदे बंदे दी मौत हो जांदी। खालसा जी दसो है किस कोल एवें लै के मोती मोती दे बना भी जे डायमंड सैट है जी फलाना सैट है। हीरा शाह साढ़े चूँ किसी ने देखा ना हो तो इंग्लैंड पे जो महाराजा रणजीत सिंह की कलगी से। खैर गुरु किसी उन्होंने चटिए ना हीरे ने चटिए, हीरे में चटते सारी बंदे की मौत हो जाती। वह सास सुनी जो वजीर बड़ा धर्मात्मा से है जी, वजीर बड़ा धर्मात्मा से। चोरी वो ना तो लग गई वह बेचारा तदे कहते हैं जो बहुत जज्बाती बंदा वह माफ करना, बहुत जज्बात होना चंगा नहीं होंगे। विचार मन बंदा कई गल्ला विचार के चलता। वह नहाँदा पिया सी ते वह रौला बार घर च गल पै गई, घर च गल कर लग गए। वह कहना की गल हो गई, उन्हें बाथरूम का दरवाजा खोल की गल हो गई। कहते बादशाह चोरी हो गई। तो वह कहती महाराज ना थोड़ा लग रहा, ना थोड़ा लग रहा। और लगा कह मेरा ना लग रहा। वह बाद नंदर रिंग दे अंगूठी दे मुंदी जी कह लो वह हीरा से उन्हें जैसे चट लिया डैथ हो गई। उस वजीर दियाँ लड़कियाँ सत्त कुड़ियां सन। माफ़ करना समा नहीं है, कितने समा बने विचार करांगे। सत्संग मैं लोगों के घर भांडे मांजदियां वेखियां ने, अरदास दे नाल वो पढ़िया भी। और कई बार गल चलनी भाजी ये कम कर दो वो कर दो, मैं कोई गल नहीं। खैर सत्संग ऐसे ऐसे समय भी देखे जिंदगी का कोई पता नहीं। आ पतंग चढ़ी है, पता नहीं पतंग की डोरी ने कदों टुट जाना है। खालसा जी कितने छोटे होंदे पढ़िया करते समा आग्ञा नहीं दिंदा। कड़ी पालना एक आराम कीता ते सदा नहीं है सुख दी कड़ी रहनी। कुछ खट लै ते कुछ दान कर लै ते माया विच जमीन दे पड़ी रहनी। काल पुरख दी जदू है डोर वजनी ते घड़ी विच तबेले दे खड़ी रहनी। गोरे रंग ने एक दिन उड़ जाना चिट्टे दंद मोतियां लड़ी रहनी। चिट्टे दंद मोतियां लड़ी रहनी। ते रेल गड्डी दे वांगू तेरी उम्र गुजरे सदा नहीं स्टेशन ते खड़ी रहनी। ते
जदू आण के मौत ने घेर लीता ते जिंद वांग बुटेरे दे तड़ी रहनी कोई रोजदा मेला दुनिया नाम जप्या करो भजन करया करो किसे नूं पता मैं कदों मर जाणा एक वारी कह दे बार किसे नूं पता मैं कदों तुर जाणा अगले साह दा ही नहीं पता सारे कम कमकार भी करी चलो नाम भी जपी चलो भजन करी चलो रोज दे रोज समा कढ़िया करो सत्संग जी गुरु कर आया करो तनख 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 गुरु नानक साहब जी तनख तनख गुरु अंगद साहब जी तनख 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 गुरु अमरदास जी तनख 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 गुरु अमरदास जी तनख 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 गुरु अर्जुन साहब जी तनख 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 गुरु हरगोबिंद साहब तनख 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 गुरु श्री हर साहिब तनख 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 गुरु श्री हर कृष्ण जी तनख 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 गुरु तेग बहादुर तनख 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 गुरु गोबिंद सिंह जी तनख 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 साहब जी तनख 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 तेरा पंत खाल तनख 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 तेरी ताद संगत जी तनख सतनाम श्री वाहिगुरु सतनाम श्री वाहिगुरु बोल वाहिगुरु 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 बोल वाहिगुरु 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 बोल वाहिगुरु बोल कदे ना वाहिगुरु बोल कदे ना डोल वाहिगुरु वाहिगुरु बोल प्यारिया तेरा मिटड़ा लगूगा बोल प्यारिया वाहिगुरु वाहिगुरु बोल प्यारिया तेरा कछु ना लगूगा बोल प्यारिया सतनाम श्री वाहिगुरु बोल सतनाम श्री वाहिगुरु बोल वाहिगुरु बोल कदे ना वाहिगुरु बोल कदे ना डोल सतनाम श्री वाहिगुरु सतनाम श्री वाहिगुरु बोल शब्द प्रवान करो।
ਉਹਨਾਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ। ਇੱਥੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚਾਰ ਚਾਰ ਪੰਜ ਪੰਜ ਘੰਟੇ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਬਾਣੀ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਦਿਲ ਕਰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਨਮ ਸਫਲਾ ਹੋਣਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਜਨਮ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਦੁਨੀਆਂ 'ਤੇ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਰਕੇ ਭਜਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਿਮਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਡਿਊਟੀਆਂ ਸੰਭਾਲੋ ਯਾਰ, ਕੀ ਹੈ ਬਾਅਦ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ, ਇਵੇਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ। ਪਰ ਸਤਸੰਗ ਕਿਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖਿਆ ਕਰੇਗੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆਂ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5 ਸਾਲ ਅਤੇ 10 ਸਾਲ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਸਤਸੰਗ ਜੀ ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਕੁਟੀਆ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਵੇਖਣਾ ਤਾਂ ਕੁਟੀਆ ਪਰ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੈਰ ਕਰਨ ਹੁਣ ਤਾਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ। ਅਬ ਤੋਂ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹਤਾ ਹੈ ਕਹੀਂ ਆਨੇ ਕੋ ਕਹੀਂ ਜਾਣੇ ਕੋ, ਨਾ ਬਾਤ ਕਿਸੇ ਕੀ ਸੁਣਨੇ ਕੋ, ਨਾ ਆਪਣੀ ਬਾਤ ਸੁਣਾਨੇ ਕੋ। ਅਬ ਤੋ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹਤਾ ਹੈ ਕਹੀਂ ਆਨੇ ਕੋ ਕਹੀਂ ਜਾਣੇ ਕੋ, ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਬੋਲ ਬੁਲਾਈਓ ਮੈਂ, ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਬੋਲ ਬੁਲਾਈਓ ਮੈਂ, ਜੇ ਮਨੁਆ ਭਟਕਾ ਫਿਰਤਾ ਥਾ, ਅਬ ਤੋ ਮਨੁਆ ਡਟ ਗਿਆ ਹੈ ਬਿਗੜੀ ਹੋਈ ਬਾਤ ਬਣਾਨੇ ਕੋ। ਅਬ ਤੋ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹਤਾ ਹੈ ਕਹੀਂ ਆਨੇ ਕੋ ਔਰ ਜਾਣੇ ਕੋ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਫੁਰਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇੱਕੋ ਇੱਛਾ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਬਸ ਮਾਲਕ ਜੀ ਮਿਲ ਕੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਮੈਂ ਨਾ ਮੇਰੀ ਨਾ ਹੂੰ ਨਾ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਤੂੰ ਆ, ਭਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਸੰਗਤ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਹੁਮ ਮਾ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰੋ, ਰੋਜ਼ ਹੀ ਆਇਆ ਕਰੋ, ਇਹ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਆਏ ਇੱਥੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਆਉਣ 'ਤੇ ਆਉਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣਾ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਧਾਰਨਾ ਬਣਾਓ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ। ਆ ਭਾਈ ਬਗੀਚਾ ਸਿੰਘ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੀ ਨਾ ਬਾਬਾ ਤੇਰਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕਿਰਪਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਉੱਪਣਾ ਸਾਲ ਦਰਦ ਮੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਗੜ ਸ਼ੰਕਰ ਸਤਸੰਗ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ 'ਤੇ, ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਤੇ 2 ਮਿੰਟ ਹੀ ਆ ਜਾਇਓ, 2 ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਤੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਮਾਫ਼ ਕਰਨੇ 'ਤੇ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਖੈਰ ਇੰਨੇ ਕੁ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ, ਸੁਖੀ ਵਸੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਦ ਲਾਇਕ ਨਿਕਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਜਪੋ ਬੱਚੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਪਣਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦੇ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਜਪਣਗੇ ਨਾਮ, ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਸਤਸੰਗ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜਪੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਪਣਾ, ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਨਕਲ 'ਚ ਹੀ ਬਾਂਦਰ, ਬੱਚਾ ਅਤੇ ਬਾਂਦਰ ਨਾ ਇਹ ਨਕਲ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਟੋਪੀਆਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਸੌਦਾਗਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਸੀ ਟੋਪੀ ਅਤੇ ਪੰਡ ਵੱਜੀ ਸੀ ਟੋਪੀਆਂ ਦੀ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਗਰਮੀ ਦੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਹੀ ਛਾਂਤਲੇ ਪੈ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਬਾਂਦਰਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸੌਦਾਗਰ ਨੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਟੋਪੀ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਟੋਪੀਆਂ ਖਿੱਚ ਲਈਆਂ ਬਾਂਦਰਾਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੋਪੀਆਂ ਪਾ ਲਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਟੋਪੀਆਂ ਪਾ ਲਈਆਂ ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਤਾਂ ਟੋਪੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਂਦਰ ਪਾ ਗਏ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਦੌੜੇ ਉੱਤਾ ਬੜਾ, ਪਰ ਬਾਂਦਰ ਕਿਤੇ ਹੱਥ ਆਉਣ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਂਦਰ ਨਕਲੀ ਹੁੰਦਾ, ਨਕਲ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀ ਟੋਪੀ ਨਾਲ ਚਲਾ ਕੇ ਮਾਰੀ, ਸਾਰੇ ਬਾਂਦਰਾਂ ਨੇ ਟੋਪੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟਤੀਆਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਬਾਂਦਰ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਚੇ ਵੀ ਨਕਲ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਆਵਾ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਆ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਣਗੇ, ਘਰ ਭਾਂਡੇ ਲੈ ਕੇ ਐਂ ਛਿਆਣੇ ਵਜਾਈ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਚਮਟੇ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ,